तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लाइफ प्रूफ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अर्निंग जो हो रही है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है $1,000 से 16.8 हजार, मतलब 16,500 से डॉलर से भी ज्यादा यहाँ पे अर्निंग इसकी मंथली हो रही है। मंथली अर्निंग है, यहाँ पे चैनल का नाम भी है, आप देख सकते हैं ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो अर्निंग हो रही है, मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि कम से कम इसकी 1,000 हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको कन्वर्ट भी करके दिखा देता हूँ डॉलर टू INR। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे $1,000, उसके $1,000 से कमाई शुरू हो रही है, मतलब 82,000 से उसकी कमाई शुरू हो रही है आप देख सकते हैं। और $16,000 से भी ज्यादा तक की अर्निंग वो मंथली कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 16,000 डालूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 लाख के करीब उसकी अर्निंग हो रही है। 82-80 हजार से लेके 13 लाख तक के बीच में उसकी अर्निंग हो रही है मंथली की। तो आप भी इस तरीके की अर्निंग आप भी कर सकते हैं। कैसे करनी है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो मैंने सबसे पहले आपको लाइव प्रूफ यहां पे दिखा दिया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा YouTube चैनल आइडिया लेकर आया हूं जिसमें आपको ना तो फेस दिखाने की ज़रूरत है ना ही वॉइस की ज़रूरत है, यहां तक कि आपको वीडियो भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बनी बनाई वीडियो मिलेगी, आपको बस उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और उसे अपने YouTube चैनल के ऊपर डाल देना है और आप उससे महीने के लाखों रुपये कमा पाएंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया कि किस तरीके से लोग यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको वीडियो कहां से लेनी है, कैसे उसमें एडिटिंग करनी है, सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, पर अगर आप इसे पूरी देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और कि किस तरीके से आप भी अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके उससे महीने के लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे हमें पहले क्या करना है, YouTube की जो एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की वीडियोज़ हैं, किस तरह का चैनल आपको बनाना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है सेटिस्फाइंग वीडियो, सेटिस्फाइंग वीडियो, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस टर्म को सर्च करेंगे तो आपके सामने आप देख सकते हैं कितनी सारी वीडियोस आ गई। सबसे पहली जो वीडियो आई उसी पे आप देख सकते हैं 2 हफ्ते पहले ही अपलोड करी है और 4.8 मिलियन व्यूज़ आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी तकड़ी रीच है इसमें। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं दूसरी वीडियो पर 4 दिन पहले करी है, 52,000 व्यूज़ आए हैं। उसके बाद ऐसे ही आप देख सकते हैं 6 दिन पहले करी है और इसमें आए हैं 1.3 मिलियन व्यूज़। उसके बाद ये आप देख सकते हैं 4 महीने पहले करी है, 5 मिलियन व्यूज़ आए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी और आप सब पे व्यूज़ देख सकते हैं। ये 4 दिन पहले 262 के, यहाँ पे 4 दिन पहले 32 के, 1 साल पहले 9 मिलियन, 9.1 मिलियन, 1 साल पहले 1.5 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद मैं आपको इसमें से कोई एक चैनल मैं आपको दिखा भी देता हूँ किसी एक चैनल पर जाके। जैसे मैं ये वाले चैनल पर चले जाता हूँ, वीडियो के इस चैनल को ओपन कर लिया मैंने, इनका नाम है सेटिस्फाइंग स्टेशन। आप देख सकते हैं 484K सब्सक्राइबर्स हैं और सिर्फ 389 वीडियोस ही डाली हैं। और यहाँ पे मैं आपको इसकी वीडियोस के सेक्शन में जाके दिखाता हूँ, 4 दिन पहले डाली 52,000 व्यूज़, 7 दिन पहले डाली 71,000 व्यूज़, 2 हफ्ते पहले डाली 121,000 व्यूज़, 111K व्यूज़ 2 वीक पहले। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मिलियंस में, लाखों में व्यूज़ आपको इसके चैनल पे देखने को मिल रहे हैं, इस तरह की वीडियोज़ के ऊपर मिल रहे हैं। और यहाँ पे इनके होम पेज पे अगर इनकी पॉपुलर वीडियो देखें तो आप देख सकते हैं 12 मिलियन, 11 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 3.4 मिलियन, मतलब मिलियंस में व्यूज़ हैं इनकी पॉपुलर वीडियोज़ पे। और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इन्हें डाले हुए, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का चैनल, अब आपको कैसे ये वीडियोज़ कहाँ से लेनी है, कहाँ से आपको वीडियोज़ मिलेंगी, कैसे उसमें आप एडिटिंग करेंगे, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना है आपको लास्ट तक। तो अब चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये वीडियोज़ कैसे आपको मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी। उसके लिए हम होम पेज पे चलते हैं, इससे बाहर आ जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, वापस YouTube पे आके
जो मैंने आपको अर्निंग भी स्टार्टिंग में दिखाई थी वो इसी चैनल की दिखाई थी, सेटिस्फाइंग स्टेशन की ही। आप जाके तो उसे वो चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। कभी आप ये सोचेंगे कि अर्निंग किसी और चैनल की दिखा दी और यहाँ पे कोई और चैनल खोल के दिखाया हमें, मैंने आपको उसी चैनल की अर्निंग दिखाई जिसका मैंने अभी आपको डिटेल बताई, यहाँ पे मिलियंस में व्यूज़ दिखाए लाइव। उसके बाद अब हम एडिटिंग के लिए आपको सबसे पहले बताता हूँ कि वीडियो कहाँ लेनी है, वीडियो कहाँ से लेनी है। तो आपको एक इंस्टाग्राम नाम की एक एप्लीकेशन, आप बस जानते होंगे, आप सबके पास भी होगी, तो आपको इंस्टाग्राम वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो इंस्टाग्राम की जब एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो ये आपका होम पेज आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सेकंड ऑप्शन जो सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सर्च करना है सेटिस्फाइंग वीडियोज़। तो सेटिस्फाइंग वीडियो लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी सेटिस्फाइंग वीडियोज़ आ जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट आए हुए हैं, ठीक है। आप किसी भी एक रील पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी वीडियोज़ रील्स उसकी खुल जाएंगी। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इस वाली सेकंड नंबर वाली जो ये वीडियो है इस पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरीके की वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे ये इसमें ऊपर से गिर रहे हैं और ये बस एक ऊपर से हल्का सा पंच इस पे लगता है और इसका चूर चूर हो जाता है, ऐसे आप देख सकते हैं कितने इसमें ये फिर कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। कितने प्यार से इन्हें काट रहे हैं और फिर इससे इन्हें ग्राइंड कर रहे हैं, फिर इन्हें एक पैने हथियार से काट रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की वीडियो है, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगी यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कितने तरीके की वीडियोस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ से 4-5 वीडियोस डाउनलोड करनी है और उसकी एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डालनी है, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग आपको करनी है। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना भी सिखा देता हूँ, जैसे यही वाली वीडियो है, ठीक है, जिसमें ये क्रश कर रहे हैं। तो हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे नीचे राइट में, बॉटम राइट में यहाँ पे एरो का निशान शेयर वाला जो ऑप्शन है 3 डॉट से ऊपर, उस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आप देख सकते हैं शेयर, कॉपी लिंक, SMS, मैसेंजर का ऑप्शन मिल रहा है बॉटम में, तो यहाँ से आपको कॉपी लिंक कर लेना है। तो मैंने यहाँ से इसे लिंक कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको बाहर आ जाना है और फिर जाना है आपको गूगल क्रोम के अंदर। तो क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है, गूगल ओपन कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोड, ठीक है। ये लिखते ही आपको सेकंड नंबर पे एक जो इसकी इस वेबसाइट है, वैसे तो आप किसी पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, सेकंड से थर्ड से जिससे आप करना चाहें। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ से वाटरमार्क नहीं आता आपकी वीडियो में, ठीक है, वो इजीली डाउनलोड हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमने कॉपी किया था वहाँ से वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वीडियो आ गई हमारी। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वीडियो लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एड्स जो आएंगी उनको क्रॉस कर देना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो गई है, ठीक है, थोड़ी सी ये हो गई है डाउनलोड, ठीक है। ऐसी आपको 4-5 वीडियोज़ वहाँ से डाउनलोड करनी है और उसकी एक वीडियो बना के, 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की बना के आपको अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर लेनी है, या जितने मिनट की आप चाहें उतने मिनट की आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारी वीडियो भी डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब इसमें एडिटिंग की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल होम पेज पर आ गए। अब एडिटिंग मैं आपको सिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, एडिटिंग के लिए हम आ चुके हैं एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन काइन मास्टर के ऊपर। यहाँ से आप सबसे अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं फ़ोन से, अपने मोबाइल फ़ोन से ही। तो हम इसकी होम स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे हमें प्लस वाले आइकन पे जो सेंटर में दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें रेशियो सिलेक्ट करना है अपनी यूट्यूब वीडियोज़ का। तो 16:9 होता है, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ से ऊपर, सबसे ऊपर ही बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी एक बैकग्राउंड अपनी वीडियो के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंस्टाग्राम की जो रील्स हैं, जो वीडियो डाउनलोड की हैं आपने, वहाँ पे वो 9:16 में होती हैं, इसलिए आपको एक बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं वाइट बैकग्राउंड या ब्लैक बैकग्राउंड जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं, मैं वाइट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डन कर देंगे और इस वाइट बैकग्राउंड को आप अपनी वीडियो की लेंथ जितनी रखनी है आपको वहाँ तक आप इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
वहाँ तक बढ़ा लेंगे, एक मिनट दो मिनट जितने के आप वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बाहर क्लिक कर देना है और यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करके आपको मीडिया के अंदर जाके जो भी वीडियोस आपने डाउनलोड की थी वो सारी आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर देनी है। तीन चार वीडियो मैंने कर रखी हैं डाउनलोड, तो मैं चारों वीडियोज़ यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। इस मीडिया वाले पर क्लिक करके आपकी गैलरी में चले जाएँगे और वहाँ से एक एक करके आप सब वीडियोज़ को इम्पोर्ट कर लेंगे। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले ये एक वीडियो अपलोड करी यहाँ पे, ठीक है, तो ये इस तरीके से आ रही है हमारी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सबसे आगे आके सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे आपने बाहर क्लिक कर दिया, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको इसको खुद ही बड़ा छोटा करने की यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आप इस तरीके से इसे बड़ा कर सकते हैं और ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक आ गई है, इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, या आपको और बड़ी करनी है तो आप इसे और बड़ी कर सकते हैं यहाँ पे ले आए, पर यहाँ पे आपको फिर ज़्यादा दिक्कत आएगी इसलिए आप इसको यहाँ तक रख सकते हैं। यहाँ तक सेट कर लिया इसको, उसके बाद जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है यहाँ पे ये ख़त्म हो गई, उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर से लेयर पर जाके दूसरी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो मैं जल्दी से दूसरी कर देता हूँ, ऐसे सारी वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारी डाल दी है, आप देख सकते हैं तीन चार वीडियोस मैंने यहाँ पे डाल दी है और दो मिनट के आसपास की वीडियो बन गई है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। और आपने सबसे पहले तो एक चीज़ और नोटिस की होगी कि इन वीडियोज़ में जब हमने डाउनलोड भी की तो इन वीडियोज़ में कोई आपको वॉइस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई वॉइस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आप वहाँ पे बस उसमें म्यूज़िक लगा हुआ है बैकग्राउंड, या वो भी कुछ इफ़ेक्ट्स लगे हुए हैं, इसमें वॉइस नहीं है, आपने नोटिस किया होगा। तो हमें सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी जो वॉइस है यहाँ पे हमें उसे ज़ीरो कर देना है, ठीक है। ऑडियो मैंने इसकी ज़ीरो कर दी, ऐसी दूसरी वाली सिलेक्ट करी, उसकी ऑडियो ली, उसकी भी ज़ीरो कर दी। उसके बाद मैंने थर्ड नंबर पे सिलेक्ट करी, उसकी ऑडियो भी मैंने ज़ीरो कर दी। उसके बाद फोर्थ वाली की भी मैंने ऑडियो जो है वो ज़ीरो कर दी है। अब इसमें यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप नो कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करें इसके बैकग्राउंड के लिए, ठीक है, नो कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करें, या फिर आप अपनी वॉइस डाल दें। अब दोनों में क्या अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करते हैं अपनी सारी वीडियोज़ में तो हो सकता है आपका चैनल मोनेटाइज होने में थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो जाए, लेकिन अगर आप अपनी वॉइस ऐड कर देंगे, अपनी वैल्यू ऐड कर देंगे इन वीडियोज़ के अंदर, तो आपका मोनेटाइज होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 101% आपका जो चैनल है वो ज़रूर मोनेटाइज होगा, क्योंकि आप उसमें अपनी वॉइस ऐड कर रहे हैं। तो इसमें वॉइस ऐड करने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप वॉइस ऐड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक ऐड करना है तो वो कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है, सबसे आगे आपको आ जाना है और यहाँ पे ऑडियो का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपल इस ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपके सामने आपको नो कॉपीराइट म्यूज़िक कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब से भी आप ले सकते हैं, यूट्यूब की लाइब्रेरी से ले सकते हैं, ठीक। तो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और अपनी वीडियो के अंदर लगा देना है जितनी लेंथ की आपकी वीडियो है, ठीक है। उसके बाद अगर आप म्यूज़िक नहीं लगाना चाहते तो आप वॉइस कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वॉइस करने से आपका 100% मोनेटाइज होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वरना हो सकता है आपको, अगर आप वॉइस ना डालें और बैकग्राउंड म्यूज़िक ही यूज़ करें, तो आपको रीयूज कंटेंट की भी प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में। इसलिए आपको मोनेटाइज करने के लिए आप मेरी माने तो आप वॉइस ज़रूर डालें अपनी, ठीक है। वॉइस डालने से कोई मैं आपको डाल के दिखाऊंगा, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो वॉइस के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर मीडिया ऑडियो रिकॉर्ड REC का एक ऑप्शन लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है रिकॉर्ड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसकी यहाँ पे साउंड्स आ रही है। यहाँ पे जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा तो इस वीडियो में जो है वो मैं आपको बोल के बता देता हूँ एक बार, इस तरीके से आपको भी रिकॉर्ड कर लेना है। स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मशीन आपको दी गई है जिसमें हम कुछ भी डालते हैं तो वो बिल्कुल क्रश हो जाता है। हमने बोल डाल के देखा, उसके बाद हमने ये वाइट पेपर डाल के देखा, इसको भी खा गई मशीन पूरी। उसके बाद हम इसमें कुछ बॉल्स डाल रहे हैं और आप देख सकते हैं ये बॉल्स को भी चकनाचूर कर दे रही है। ये एक ऐसी मशीन है जो सब कुछ खा जाती है, इसमें कुछ डालो वो सब ये आप देख सकते हैं क्रश कर रही है अपने इससे। तो आपने देखा कि किस तरीके से
रिकॉर्डिंग करनी है आपको, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, ठीक है। आप यहाँ से सुन भी सकते हैं अपनी वॉइस को यहाँ पे प्ले करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लेनी है इसमें, और इसको आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर शेयर वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इसे एक्सपोर्ट कर देना है वीडियो के अंदर, और आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इसे अपलोड कर देना है। और इससे आप महीने के लाखों रुपये कमा सकते हैं, मैंने आपको प्रूफ स्टार्टिंग में ही बताया, सारी एडिटिंग भी मैंने आपको सिखा दी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।